नमस्कार, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको भोजपुरिया जहान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम खेसारी और काजल रघवानी के तीन खास अपडेट के बारे में बात करेंगे, तीन खास खबर के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग से आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल भोजपुरिया जहान पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर भोजपुरी जगत की सही और सटीक खबरें दिखाई जाती हैं। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं तीन खास खबर की ओर। तो पहला खबर है काजल रघवानी के बारे में। लोग जैसा कि मेरे थंबनेल में देखे हैं, काजल रघवानी के लिए ये दिन बहुत खास है, क्योंकि काजल रघवानी का आज जन्मदिन है। तो आप लोग से आग्रह है कि अभी तक जो भी लोग काजल रघवानी बर्थडे विश नहीं किए हैं, उनके फेसबुक पेज पे जाकर उनको हैप्पी बर्थडे विश जरूर कीजिए। जितने भी काजल रघवानी के फैन है, वैसे तो पूरे भोजपुरिया जहान के परिवार, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, सभी के तरफ से और हमारे तरफ से काजल रघवानी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो जिए हजारों साल और ऐसे ही करते रहे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल। तो चलिए अब आप लोग को दूसरे खास खबर की ओर ले चलते हैं। तो आप लोग को बता दें कि खेसारी लाल यादव के आज 6:15 पर अंकिता फिल्म्स पर एक गाना रिलीज हुआ है। गाने का नाम है गांजा मार के राजा। बहुत ही कमाल का गाना है, क्योंकि इसका फर्स्ट लुक परसों दिन शाम को ही रिलीज किया गया था। हमने देखा था, काफी अच्छा और बवाल वीडियो है। तो आप लोग से भी आग्रह है कि एक बार जाकर अंकिता फिल्म चैनल पर इस गाने को जरूर सुनिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तीसरा सबसे खास खबर यह है कि खेसारी लाल यादव का एक और सॉन्ग का ऐलान हो चुका है, जिस सॉन्ग का नाम है सबका उपाय ओम नमः शिवाय। इस गाने को गणनायक म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से छोड़ा जाएगा। गाने को खेसारी लाल यादव के साथ खुशबू तिवारी केटी ने गाया है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और इस गाने का राइटर प्रकाश बारूद जी हैं, जो पवन सिंह के मीठा मीठा बथे कमरिया 2 सॉन्ग लिखे थे, वही राइटर इस गाने को लिखे है। और इस गाने का म्यूजिक दीपक दिलकश जी बनाए हैं। तो ये गाना काफी बवाल होने वाला है, क्योंकि जिस गाने में इतने अच्छे अच्छे लोग काम किए हैं, वो गाना तो बवाल होना तय है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोग को तीन ये बड़ी खबर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहें भोजपुरिया जहान के साथ।